हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लौकी की खीर। इसके लिए हमने एक कुकर में एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला, और इसमें हम तीन चार इलायचियाँ, अगर साबुत हो तो तोड़कर डाल दें। मैंने पाउडर यूज़ किया और उसको एक दो सेकंड क्रैकल होने दिया। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी लौकी थी, आधा किलो के करीब, उसे मैंने छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम घी के साथ और इलायची आधे कप दूध के साथ पकाएंगे। बड़ा जो कप होता है वो आधा, छोटा नहीं तो एक कप। इन सबको मिलाकर हमने पहले सीटी लगा ली। तीन सीटियों में मेरी लौकी गल गई, इतना पानी छोड़ा जबकि हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, दूध डाला था। अब इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें चार बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भर कर सकते हैं। लौकी हमारी गल चुकी है, इसको हम सिर्फ कबीर से ही मैश करेंगे, मैश हो जाएगी आराम से। अच्छी तरह से मैश कर लें, फिर इसमें हमने अपनी पसंद की मेवा डालनी है। मैंने दो बड़े चम्मच घिसा नारियल डाला, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी डाली है। मेवा आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल लें और इसको खूब भून लें। देसी घी में खूब अच्छी तरह से दूध के साथ भून जाए। अगर आपको लौकी का हलवा खाना है तब तो आप इसे कसकर ऐसे हलवा यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरा कस गया, इसमें पानी पूरा ख़त्म हो गया, इसे हम हलवे की तरह यूज़ कर सकते हैं। या आप मेरी तरह, मैंने थोड़ा हलवा रहन दिया और थोड़े में खीर कर दी थी, तो मैंने इसमें आधा लीटर दूध डाला है। आधा लीटर और डाल के फिर मैंने इसको पकाया, तो जैसे कि खीर पकाते हैं 15-20 मिनट लो हीट पर पकते ही रही। कद्दू की खीर तैयार है।